पिंटरेस्ट इंस्पायर्ड ड्रेस हम लोगों ने बनाया और बिल्कुल सेम बनाया, बहुत ही खूबसूरत बना। अस्सलाम वालेकुम, मुझे लग रहा है कि आप मेरी पुरानी वीडियो देख कर आए हैं, ठीक है, और अगर नहीं देखी तो अभी जाके देख लें आप। पोलका डॉट का ये जो डिज़ाइन क्लाइंट ने इतने सारे प्रिंट्स में से सिलेक्ट किया, इसके लिए मैंने उनको आइडिया दिया कि पिंटरेस्ट से मैं आपको एक ड्रेस भेजती हूँ, हम इसको उस तरह का रिक्रिएट कर लेते। लेकिन जब ये बन के आया ना तो मेरा दिल चाह रहा था मैं खुद रख लूँ, मैं क्लाइंट को भेजूँ ही नहीं। तो अब आप, ये वीडियो छोटी है, ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं आप लोगों को ये सारे प्रिंट्स अपनी पिछली वीडियो में भी दिखा चुकी हूँ, लेकिन इसमें मैं आपको ये दिखाऊँगी कि कौन से प्रिंट्स में से, कौन से पोलका डॉट्स में से, कौन सा पोलका डॉट क्लाइंट ने पसंद किया था। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा जी। राबी सेंटर में जाते ही फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे जैसे ही आप स्टेयर्स चढ़ते हैं तो आपके लेफ्ट साइड पे आपको दुकानें मिल जाती हैं इस तरह की। यहाँ पे ये सारी जॉर्जेट की ही दुकानें थी, आगे पीछे सारी जितनी भी दुकानें बनी हुई थी, इनके पास फैंसी कपड़े भी थे लेकिन ज़्यादा इस तरह के प्रिंट्स थे, जॉर्जेट वगैरह वाले इस तरह के टाइप के प्रिंट्स थे। तो मैंने देखा, मैंने कहा चलो यहाँ पर देखते हैं, कोई प्रिंट्स हमें पसंद आ जाते हैं हम ले लेते हैं। जब मैं वहाँ पर फिज़िकली खुद मौजूद थी, कभी कभी कैमरा में इतने अच्छे प्रिंट नहीं आते जितने फिज़िकली लग रहे होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि जो कैमरा में अच्छे आ रहे होते हैं वो रियल में इतने अच्छे नहीं लग रहे होते। तो खैर, ये वाले जो ड्रेसेस हैं इनको यहाँ पर सिलेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था क्लाइंट के लिए, क्योंकि अगेन वही बात है कि मैं उनको एक एक पिक्चर बना के भेजती थी और फिर मैं वेट करती थी जब उनका रिप्लाई आता था। और राबी सेंटर में सिग्नल का इतना प्रॉब्लम है कि जब तक आप वहाँ पर कहीं इधर उधर जाके कोई जगह नहीं ढूंढते जहाँ पर आपको बाहर कोई, जहाँ पर वेंटिलेशन हो रही हो या कोई ऐसी जगह हो जहाँ खिड़की बिड़की हो, तो फिर जाके सिग्नल आते हैं, वरना सिग्नल्स नहीं आते हैं। और मुझे नहीं पता बाकी नेटवर्क्स आते होंगे या नहीं, बट ये नहीं आते। ये वाला प्रिंट मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया था, ये रोज़ वाला जो बंदे के हाथ में था मुझे बड़ा अच्छा लगा था। अगेन हम उसी दुकान पर आ गए। अच्छा, इस दुकान से हम लोगों ने पोलका डॉट सेलेक्ट किया था, हालाँकि इनके पास इतने सारे प्रिंट हैं, इतने सारे प्रिंट हैं। ये जो आपको पोलका नज़र आ रहा है, हमने ये क्लाइंट ने लास्ट में सेलेक्ट किया। अब आप यहाँ पर देखते जाइए कि पोलका में आपको कितने सारे डॉट्स, किसी में बड़ा डॉट है, किसी में छोटा है, किसी में बहुत ज़्यादा मतलब करीब है, किसी में ज़्यादा फासले से है। तो ये मतलब पोलका में भी आपको बहुत बहुत सारे जो है ना वो डिज़ाइंस मिलते हैं, पोलका में भी कोई एक डिज़ाइन नहीं होता। बट मुझे ना थोड़ा, खुद अगर मैं अपने लिए पर्सनली लूँ तो मुझे थोड़ा दरमियाने साइज़ का जो डॉट होता है ना वो अच्छा लगता है। ये डॉट जो बहुत छोटा हो या बिल्कुल साथ साथ हो वो भी इतना अच्छा नहीं लगता, और बहुत छोटे वाला भी नहीं अच्छा लगता। तो ये जो क्लाइंट ने भी सिलेक्ट किया ये भी बहुत अच्छा था, वाइट पे भी ब्लैक बहुत प्यारा लगता है और ब्लैक पे वाइट, मगर दरमियाने वाला अच्छा लगता है, जैसे पिंटरेस्ट में उस बंदी ने पहना हुआ था। बट बहुत ही क्लासी, बहुत ही मॉडर्न, बहुत ही अच्छा है। और मुझे ऐसा लगता है कि यूके के हिसाब से उन्होंने बड़े प्यारे कपड़े अपने स्टिच किए हैं, जो भी उन्होंने सिलेक्ट किया उनकी पसंद मुझे बहुत अच्छी लगी है, पसंद उनकी बहुत अच्छी है, बड़ी डिसेंट सी है, बड़ी अच्छी सी पसंद है, और बड़ा उन्होंने वाइसली सिलेक्ट किया चीज़ों को। वरना अगर मैं होती और मेरे लिए कोई बाजार जाकर इस तरह शॉपिंग कर रहा होता ना, और मैंने उनको बोलना था अच्छा ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, पता नहीं वो बाद में कैसा बनता कैसा ना बनता, मुझे उस चीज़ की फिक्र नहीं होती। लेकिन फ़िलहाल मैं यही सोचती कि भाई अगर कोई मेरे लिए चला गया और इतनी ख्वारी झेल रहा ना, तो मैं उसको बोलती हूँ कि ले लो, और पैसे होना भी ज़रूरी है इसके लिए वैसे, बाय द वे। खैर, अब हम लोगों ने सारी वही पुरानी वीडियोज़ आप लोगों को दोबारा से दिखाई। अगर आपने पहले बार देख लिया, बारिश जो है वो बहरिया में हो रही थी बहुत ज़्यादा जब मैंने ये वीडियो बनाई है, फिर उसके बाद जो ना ड्रेस होके रेडी आ चुका है। इसके साइडों पे ना क्लाइंट ने ये बोला था कि आप इसको पूरा बंद करके एयरलाइन शेप बना दीजिएगा, क्योंकि क्लाइंट के कहने के मुताबिक मैंने इसका फैब्रिक कम लिया था। इसका फैब्रिक मुझे बहुत एक्सपेंसिव मिला, लेकिन फैब्रिक बहुत अच्छा था और इसलिए मैंने जो है ना वो ले लिया, और क्लाइंट को भी पसंद आ गया था, तो मैंने बहस करना ज़्यादा मुनासिब नहीं समझा। बट उस दिन दामीर की वजह से मैं बड़ी परेशान थी और घर वालों की वजह से, इसकी वजह से ना मैं आराम से शॉपिंग कर नहीं सकी। बट अभी लास्ट जो मैं शॉपिंग करके आई ना, मैंने बड़े पुरसकून और अंदाज में और बड़े अच्छे पैसों में शॉपिंग कर ली, और बहुत सारी शॉपिंग कर ली है। खैर, ये देख लें आप, ऊपर से लेकर नीचे तक सारे बटन्स लगे हुए हैं और इसमें भी कोई फिटिंग नहीं है, ये भी बिल्कुल स्ट्रेट है। इसको मैंने बेल्ट लगा के इसलिए थोड़ा लुक बनाने के लिए यहाँ पर लगाया था, और फिर उसके बाद मैंने कहा कि मैं उसके बगैर भी दिखा देती हूँ। ये जो ब्लैक कलर का कपड़ा है ये दर्जी ने खुद से ऐड किया था, क्योंकि मेरे पर मैंने तो उनको ब्लैक कपड़ा दिया नहीं था। चाहिए इसका घेर, और फिर बाद में ना मैंने इसके साइडों पर जो है ना वो कट रखवाया, सामने भी कट रखवाया, साइडों पे भी कट रखवाया, क्योंकि दर्जी ने मुझे बोला था आप इसको पूरा बंद नहीं करवाएं, क्योंकि जब ये वो वॉक करेंगी ना तो उसमें पूरा तरीके से उनका पाँव चलेगा नहीं, तो ये तंग होंगी वो, और पीछे से भी चिपका चिपका रहेगा। जब आपका कट होता है थोड़ा सा शर्ट के अंदर, तो ये होता है कि उसमें वॉक करने में आसानी होती है। अच्छा, फिर लाइट मैंने बंद कर दी थी, फिर बाद में मुझे याद आया मैंने क्लाइंट को स्ट्रेट करके कोई नहीं भेजी और आप लोगों के लिए भी नहीं कोई वीडियो बनाई, तो ये स्ट्रेट होके ऐसे शर्ट की तरह बनेगा।
और मेरी बहनों वीडियो को एक लाइक तो कर दिया करें, अगर वीडियो देख ली है और यहाँ तक आ गए हैं तो लाइक भी कर दो। सब्सक्राइब करना है या नहीं करना आपकी मर्जी है, बट लाइक तो बनता है और एक कमेंट भी ज़रूर बनता है कि आपको ड्रेस कैसा लगा, अच्छा लगा बुरा लगा जैसा भी लगा आप मुझे बता सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।